पूर्वज, आपके पूर्वज कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते थे, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती है ये सीरीज़। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रूट्स वेब सीरीज़ की। इस सीरीज़ के अंदर टोटल 4 एपिसोड हैं, 4 पार्ट हैं, हम कहेंगे एपिसोड के 4 पार्ट हैं। और ये एक बुक, रूट्स ही नाम है उस बुक का, उसके ऊपर आधारित है, जिसे जिसके ऑथर हैं एलेक्स हेले। और इस सीरीज़ को डायरेक्ट जो किया है, 4 इसके जो पार्ट है वो अलग अलग 4 डायरेक्टर्स ने किया। यानी पहला पार्ट अलग डायरेक्टर ने था, दूसरा पार्ट ऐसे ही, जैसे पहला पार्ट डायरेक्ट किया है ब्रूस बेयर्सफोर्ड ने, सेकंड पार्ट डायरेक्ट किया है थॉमस कार्टर ने, थर्ड पार्ट डायरेक्ट किया है फिलिप नॉइस ने, फोर्थ पार्ट डायरेक्ट किया है मारिया वैन पेबल ने। वैसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कमज़ोर दिल वाले इस सीरीज़ से दूर रहें, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर कुछ एक ऐसे सीन है जिसे देखकर या तो देख ही नहीं पाओगे, अपनी आंखें बंद कर लोगे, या फिर कुछ मानसिक संतुलन की कुछ गड़बड़ाहट हो जाएगी। तो अब इस सीरीज़ की कहानी की बात करें तो ये सीरीज़ दिखाती है कि अफ्रीकन लोगों को पकड़ कर अमेरिका ब्रिटेन में गुलाम बनाकर लेके आया जाता था, और वो अपनी वहाँ पे गुलामी की एक, यहाँ पे एक जर्नी दिखाई गई है। गुलामी का मतलब क्या होता है ये सीरीज़ बखूबी आपको बताएगी। इतनी ज़्यादा जाति, इतनी ज़्यादा हैवानियत की गई थी अफ्रीकन्स के लिए इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि उसे देखकर ही रूह कांप जाएगी। एक कुंटा किंटे, एक व्यक्ति जो ये शुरुआत होती है इस सीरीज़ में, कुंटा किंटे, जिसे अफ्रीका से पकड़ कर वर्जीनिया लाया जाता है और गुलाम बनाकर वहाँ पे, तो वो भागने की जब कोशिश करता है, क्योंकि वो एक आज़ाद इंसान को अगर आप ऐसे गुलाम बना के लेके आते हो तो वो अपनी स्वतंत्रता के लिए एक बार झटपटाता है, अब उसे आज़ादी चाहिए होती है। तो अगर ऐसा इंसान वहाँ आता है, उसे गुलाम बनाया जाता है, तो वो ऑब्वियसली भागने की कोशिश करेगा। तो वो भागने की कोशिश करता है, पहली बार जब भागता है उसे पकड़ लेते हैं और उसे कोड़ों से मारा जाता है, और ऐसे मारा जाता है कि उसकी सारी की सारी चमड़ी उधेड़ देते हैं। और रियलिटी में ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इस सीरीज़ के अंदर। और जब सेकंड टाइम वो ट्राई करता है भागने की, तो उसके एक पैर की सारी उंगलियां काट दी जाती हैं ताकि वो कभी भाग भी नहीं पाए। अपने माँ बाप को देखने की उसकी उम्मीद, अपने वतन जाने की उसकी उम्मीद, ये सारी उम्मीदें अब उसकी ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन बावजूद इसके भी वो संघर्ष करता है, अपना जीवन स्टार्ट करता है गुलामी में, और साथ ही साथ अपने पूर्वज को याद रखता है, अपने माँ बाप के नाम, अपना खुद का नाम वो याद रखता है। अपना खुद का नाम इसलिए यीशु याद रखता है, वो बार बार कुंटा किंटे वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे वो गुलाम बना के लेके जाते थे तो वहाँ पे उनका नाम रख दिया जाता था, खुद जो वहाँ के उनके मालिक जैसे दिखाए गए थे कि वो उसका नाम रख देते थे और उसी नाम से जाने जाएंगे। जैसे इसका नाम कुंटा किंटे जो नाम था, वो इसके मालिक इसको देते हैं टोबी, जो टोबी इसको नाम दिया जाता है। लेकिन वो अपना नाम जिंदा रखता है, अपने पूर्वज के नाम अपने बच्चों को बताता है। वो शादी करता है गुलामी में ही, उसके बच्चे होते हैं, एक ही बच्ची होती है उसकी, अपनी बच्ची को वो सारी चीज़ें बताता है कि कौन उसके पूर्वज हैं, कैसे नाम रखते हैं, अफ्रीकन कल्चर को फॉलो करवाता है अपनी बच्ची के, तो सब कुछ वो बताता है। तो जब उसकी बच्ची जिसका नाम केजी किंटे होता है, जब वो 16 साल की होती है, तो उसका मालिक उसको भी बेच देता है। 16 साल की एक बच्ची अपने माँ बाप से अलग हो रही है वहाँ पे, उसको बेचा जा रहा है। ये सब चीज़ें कि कुंटा किंटे जब गुलाम बना के लेके आया था उसकी, कुंटा किंटे अपने माँ बाप के सामने ही, कि भाई अब कुंटा किंटे ने जैसे अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा, इतने साल बीत चुके हैं, उसको कोई उम्मीद भी नहीं है, और वैसे मिल भी नहीं पाता, वो वहीं मर भी जाता है गुलामी में ही। तो इसकी बेटी को भी अब अपने माँ बाप से ही दूर होना था, अब वो भी कभी अपने माँ बाप को नहीं देख पाएगी, सिर्फ वहीं तक था, उसको गुलाम बना के अलग ही दूसरी जगह ले जाया जाता है। केजी का मालिक उसका रेप करता है, क्योंकि रेप करना उसका अधिकार है, उसके शरीर पर, उसके हर एक अंग पर उसका अधिकार होता है मालिक का। तो ये सीरीज़ इसमें दिखाती है, इस सीरीज़ सच में आपको अंदर से हिला कर रख देगी। और केजी के, जैसे मैंने बताया कि केजी के पिता यानी कुंटा किंटे ने उन्हें सब कुछ सिखाया हुआ होता है कि अफ्रीकन कल्चर के, तो वो भी उसी चीज़ को वो फॉलो करती हुई आगे चलती है। केजी का एक बेटा आता है जॉर्ज,
तो अब जॉर्ज जब बड़ा होता है, उसकी शादी होती है मैटिल्डा से, तो उसके 7 बच्चे होते हैं, तब जॉर्ज को भी इंग्लैंड में बेच दिया जाता है। और वो 20 साल बाद इंग्लैंड से, जहाँ उस जो इंसान इसको खरीद के ले गया था, उसकी गुलामी करके, कुछ पैसे जमा करके अपनी गुलामी उससे खरीदता है, और वो 20 साल बाद वापस आता है, तो इस उम्मीद में कि उसे अपनी परिवार वहाँ मिलेगा। लेकिन उसकी माँ का देहांत हो चुका होता है, अपने बच्चों से मिलता है, जिसमें से उसके 3 बच्चे जो हैं वो बेच दिए जाते हैं। कुछ अपने अपने एक बेटे से मिलता है, टॉम से, उसकी वाइफ से वहाँ मिलता है। तो अब जब ये मिलता है, तो अब शुरू हो चुका होता है एक ऐसा टाइम जब वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है अमेरिका में। इब्राहिम लिंकन के जो राष्ट्रपति बनने के दौरान का वहाँ टाइम दिखाया गया है कि साउथ अमेरिका में जो थे वो पक्ष में थे कि गुलाम बनाए जाएं, बाकी सारा अमेरिका दिखाया गया है कि गुलाम के पक्ष में नहीं था, वो आज़ादी चाहते थे अफ्रीकन्स की, इनको भी जीने का अधिकार है, लेकिन साउथ अमेरिका वाले ऐसा नहीं चाहते। तो ये जब लड़ाई होती है जिसमें साउथ हार जाता है, तब ये अफ्रीकन यहाँ पे आज़ाद हो जाते हैं। तो एक जर्नी दिखाई गई है, और कैसे उन्होंने सहा पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर इनके नाम इन्होंने अपने पूर्वज के अपने बच्चों तक को बताया। तो एक ये जो सीरीज़ आप देख के निकलोगे, एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस होगा। हम खुश नसीब हैं कि भारत जैसे महान देश में हम रहते हैं। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म इस देश में हुआ, जहाँ पर हर इंसान को इंसान समझा जाता है, ना कि गुलाम। स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, ये सीरीज़ देखकर आपको बखूबी समझ आएगा। एक इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप सोचो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा हो चुका है। ब्रिटिशर ने जैसे हमारे 150 साल से भी ज़्यादा जो गुलाम हमें बना के रखा, तो कितनी बुरी वो हैवानियत करते थे भारतीयों के साथ, तो वो सोचकर ही रूह काँप जाती है। तो उनसे लड़ा हमारे वीर क्रांतिकारी योद्धाओं ने, जिन्होंने अपने बलिदान दे दिया अपनी हमारी इस स्वतंत्रता के लिए। उनको कोटि कोटि प्रणाम कि आज हम इस स्वतंत्र भारत में बैठकर अपनी बात रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ देखकर ही मुझे स्वतंत्रता का एहसास हुआ, ये जब सीरीज़ देखी, तो ये वीडियो देखी, तो एक ऐसा पॉइंट आ गया कि अपनी ये बात मैं रखने पर मतलब रोक नहीं पाया अपने आप को। तो ज़रूर देखो ये वेब सीरीज़, कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा ड्रामिक दिखाया गया है, बहुत अच्छी ये सीरीज़ है। मेरी तरफ से मैं इस सीरीज़ को देना चाहूँगा 8.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने ये देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और बेशक ये हिंदी में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।